सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम बनाएंगे टेबल मैट। ये बनाने में भी इजी है और देखने में भी सुंदर लगता है। इसके लिए हमारे को चाहिए एक पेपर, पैटर्न काटने के लिए आधा आधा मीटर हमें दो कलर के कपड़े चाहिए। इसके अंदर फिल करने के लिए हमने ये आटा, चावल, गेहूं, इसकी बोरी आती है इस तरीके की, हमने ये यूज़ करेंगे हम इसमें। आप इसके अंदर बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मोटा कपड़ा हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और फोम भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न बनाने के लिए हमने पेपर ले लिया, पेपर को हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखिए, इस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाया। इस कॉर्नर से हमने इसको लेना है और इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए। अब इस डिज़ाइन को यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से 2 इंच के करीब जो है हम यहाँ पर रख लेंगे ये इस तरीके से, और इस डिज़ाइन को ऐसे बनाएंगे, फिर इसको घुमाएंगे। अब यहाँ से जो है ऐसे गोल बनाना है इसको, ये ऐसे, और अब डिज़ाइन को ऐसे बनाना है। और अब इसकी जो है हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कटिंग हमने कर ली है। इस तरीके से हम पेपर को खोलेंगे और ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब जो है हम इसका, अब हम अपने पैटर्न को कपड़े पर रखेंगे। इस तरीके से हम अपने रखेंगे और इसको जो है हम इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे ऐसे ही। आप पिन भी लगा सकते हैं ताकि हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न जो है ये हिले ना, और आप इस पर निशान लगा लें। निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पैटर्न की कटिंग जो है ये हमने कर ली है। उसके बाद हमें दूसरा कलर जो कपड़े का लगाएंगे उसकी भी कटिंग हमने इसी तरीके से करनी है जो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ऐसे ही नीचे जो भी आप फिल करने के लिए लेंगे आप वो रखेंगे, और इसको दोनों को सेट कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों बराबर रहें इस तरीके से। और यहाँ पर जो है पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इसको हम सिलेंगे। कटिंग हमने कर ली है, पिन हमने लगा ली है, अब उसके बाद हम इसे सिलेंगे। सिलने के लिए हमने क्या करना है, एक साइड से हम इतना छोड़ देंगे और बाकी पूरे पर हमने ये सिलाई लगानी है ऐसे करते हुए, इतना पोर्शन छोड़ देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से हमने इतना पोर्शन थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है इसको पलटने के लिए। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है इसको हम काट देंगे। इसकी सभी कटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है। अब बीच बीच में हम जो है ये कट का निशान लगाएंगे सभी तरफ। इस तरीके से हम कट का निशान लगाएंगे। ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमने इस तरीके से कट करना है, ये देखिए। बाकी गोलाई में इस तरीके से कट करना है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से, और सिर्फ ये कॉर्नर वाला जो पीस है इसको हमने ऐसे ही काटना है, ये इस तरीके से। ये देखिए, ये जो पोर्शन हमने छोड़ा था इसमें से जो है हम इसको पलटेंगे इसके, ये देखिए। इस तरीके से आप जो है इसको पूरे को निकाल दीजिए। ऐसे कर आप जो है पूरा कर लें इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सीधा कर लिया है जो हमारा ये ओपन पार्ट था। अब हम इसे सिलेंगे, इसमें नीडल से हम जो है इसको सिलेंगे। और इसको इस तरीके से सिलना है, ये ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे करते हुए इसको हम पूरा सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हम बना चुके हैं। ऐसे ही आपने जो है 3 पीस और बनाने हैं डिज़ाइन के। ये हमारे टोटल जो है 4 पीस होंगे डिज़ाइन के। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आपको ज़्यादा चाहिए,
अब ये देखिए, ये जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है वो हम अंदर की साइड रखेंगे सभी का, ये ऐसे। और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे, ये ऐसे, और इसको ऐसे, सभी को हमने ऐसे ही जॉइंट करना है। अब मैं एक जो है आपको जॉइंट करके बताऊंगी कि हमने इसको कैसे करना है। इन दोनों को हम ऐसे रखेंगे, ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम मिलाकर रखेंगे, और एक निडल लेंगे, इसमें धागा डाल लेंगे। हमने सिर्फ इतना सा पीस लेना है हमने इसमें थोड़ा सा, और इसको सिर्फ इतना ही हमने यहाँ से इसको सिलना है। ये देखिए, ऐसे ही आप दो तीन जो टाँके आप इसमें लगा लीजिए ताकि ये पक्का हो जाए यहाँ से। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब इसको जो है हम इसको ऐसे रखेंगे, ये ऐसे, और सेम ऐसे ही हमने इसको भी जॉइंट करना है, और यहाँ से ये वाला हमने इसको भी ऐसे ही जॉइंट करना है, ये इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, सभी को हमने सिल लिया है। अब हम बटन यूज़ करेंगे, मोती यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है बटन को हम बीच में रखेंगे, ये ऐसे, और जैसे हम नॉर्मल बटन लगाते हैं सेम ऐसे ही हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बटन हमने लगा दिए हैं। अब हम जो है यहाँ पर साइड में बटन लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और एक ऐसे लेंगे। अब एक बटन लेंगे, बटन को हम इसमें ऐसे डालेंगे और दूसरी साइड से हम इसको निकाल देंगे, ये ऐसे। और अब इसके साथ में हम इसके ये देखिए इस तरीके से जो है हम बटन लगा देंगे। अब नॉर्मल जैसे बटन लगाते हैं इसको बटन लगा लें। टेबल मैट बनकर हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, ऐसे ही मेरा एक चैनल और है सरिता शर्मा के नाम से, आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और उस चैनल को भी सपोर्ट करें फ्रेंड्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।